नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी और एसएसएलपी पीटी परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। स्प्रिट की खरीद बिक्री करने वालों पर पुलिस रखेगी नजर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का फिर बदला तरीका। अब सड़कों पर लहरिया कट मारना पड़ेगा महंगा। टीम इंडिया का जर्सी में हुआ बदलाव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी और एसएसएलपी पीटी परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी और एसएसएलपी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 30 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया है। हालांकि अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं इस दौरान अब केवल वैसे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो शुल्क जमा कर निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर चुके होंगे, लेकिन आवेदन जमा नहीं कर पाए थे अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क सहित बिहार लोक सेवा आयोग पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवा कर आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा और आवेदन करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि विलंब शुल्क की राशि उतनी ही रखी गई है जितनी परीक्षा शुल्क निर्धारित है। बिहार में नए साल पर बिजली हो सकती है महंगी। नए साल पर बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, लेकिन इस बार शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की दरें बढ़ने की संभावना है। हालांकि बिजली के दरों में इजाफा को लेकर विद्युत विनियामक के द्वारा सुनवाई नहीं की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव पर सुनवाई 20 जनवरी से की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकता है। बता दें कि बिजली कंपनी के द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव में ग्रामीण इलाकों के लिए उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में 2 गुना तो वहीं शहरी इलाकों में फिक्स्ड चार्ज का 2.5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। स्प्रिट की खरीद बिक्री करने वालों पर पुलिस रखेगी नजर। बिहार में हुए शराब कांड के बाद किए गए खुलासे में जब यह पता चला कि जहरीली शराब बनाने में होम्योपैथिक दवाई का मिश्रण किया गया था, तब से पुलिस की खुफिया एजेंसी को पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस खास तौर पर उन लोगों पर नजर रखेगी जो होम्योपैथिक दवाई या उसमें इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट की खरीद बिक्री करते हैं। वहीं जिन लोगों के पास इसका लाइसेंस है उनसे भी जानकारी लेने का निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है कि जिला में कौन कौन से लोग ज्यादा मात्रा में होम्योपैथिक दवाई और उससे इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट की खरीद बिक्री करते हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का फिर बदला तरीका। जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा और ऑफिस में लगने वाले भीड़ को रोकने के लिए सरकार की ओर से नया कदम उठाया गया है। बता दें कि सरकार की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि जमीन के विक्रेता की पहचान के लिए उनके आधार नंबर से सत्यापन कराने के बाद जमीन रजिस्ट्री को पूरा किया जाए। हालांकि इस नियम को सोमवार से लागू किया जाना था, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण ओटीपी से आधार की सत्यापन की प्रक्रिया नहीं हो सकी। वहीं इस पर रजिस्ट्री ऑफिस के पदाधिकारी का कहना है कि जल्द ही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा रद्द करने की उठी मांग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब अभ्यर्थियों की यह मांग है कि इस परीक्षा के तीनों पालियों का पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि अगर अन्य दो पालियों की परीक्षा पेपर लीक नहीं की गई है तो वह सोशल मीडिया पर तीनों पालियों के क्वेश्चन पेपर कैसे घूम रहे हैं। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था। वे 4 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे तक पटना कॉलेज के गेट पर पहुंचे और फिर वहां से राजभवन के लिए पैदल मार्च निकाले। बता दें कि इस मार्च में अभ्यर्थियों तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे। ईडी के रडार पर बिहार के बड़े अधिकारी। बिहार में तैनात 7 बड़े अधिकारी अपने आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रडार पर है। सभी 7 धन कुबेर अधिकारियों के खिलाफ ईडी के द्वारा जांच की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय की जांच कुछ बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि बिहार और केंद्रीय एजेंसियों ने कुल 30 भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ डीए केस दर्ज करते हुए एक्शन लिया था और अब इन्हीं लोक सेवकों के ऊपर ईडी भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। इन सभी अधिकारियों पर एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर पीएमएलए से जुड़ी सभी मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक छात्रों को एड्स व रक्तदान पर किया जाएगा जागरूक। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं को एचआईवी रक्तदान व स्वास्थ्य विषय की जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इनमें राज्य के सभी अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से इस अभियान की शुरुआत जनवरी में की जाएगी जो कि फरवरी तक चलेगी। इसके लिए सभी जिलों में एक दिन की उन्मुख करण सह प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके लिए समिति के परियोजना निदेशक अंशुल अग्रवाल के द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें प्रतियोगिता के लिए तिथि और चयनित कार्यक्रम स्थल की सूची उपलब्ध कराने को कही गई है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ दी नए साल की बधाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लोगों को नव वर्ष की बधाई दी है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ एक वीडियो शेयर कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस वीडियो में तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार राज्यवासियों को हम दोनों की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर नव वर्ष में एक संकल्प, नई आशा, उम्मीद एवं विश्वास के साथ बिहारी अस्मिता और विकसित बिहार के लिए आगे बढ़े। हम सब एक टीम की तरह काम करें। नव वर्ष में हम सब की यही रेजोल्यूशन होना चाहिए। आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सड़कों पर लहरिया कट मारना पड़ेगा महंगा। अब वैसे लोग जो तेज कार या बाइक चलाते हैं उनकी पहचान सीसीटीवी के जरिए करते हुए उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत वैसे लोगों के खिलाफ एसपी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि नए साल के मौके पर पटना में गंगा पाथवे समेत कुछ स्थानों पर बाइकर्स के हुड़दंग मचाते हुए वीडियो सामने आए हैं। इनकी पहचान कर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अब नदियों में हादसे को रोकने के लिए नदी में चलने वाले नाव पर भी ओवरलोडिंग करने वालों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने यूरिया की मांग को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बिहार में किसानों को यूरिया नहीं मिलने को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मांग से अधिक यूरिया देने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, यह बेहद ही दुख की बात है। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से 4000 मीट्रिक टन यूरिया की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 6800 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद यहां किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार में खाद की बाजारी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी बिहार के गांवों में शराब मिल जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी चेतावनी। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को चेतावनी दे दी है। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने यह चेतावनी किसे दी है। तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर चेतावनी देते हुए लिखा, माथे पर भस्म लगा, मुझे बदनाम करने वालों कान खोलकर सुन लो, खुद को बड़ा शरीफ समझ रहे हो, वक्त आ गया है तुम्हारी बुराइयों की पोल खोलने का, न परिवार न समाज, मुंह छिपाने के लिए ये दुनिया भी कम पड़ेगी, सारे सबूतों के साथ तुम्हारी गंदगी सबके सामने लाने जा रहा हूँ, अब ये दुनिया देखेगी तुम्हारी असलियत। आज से बिहार दौरे पर नड्डा। बिहार में मिशन लोकसभा 2024 को लेकर आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान आज वे सबसे पहले सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वैशाली के गोड़ौल से जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से वह अपनी पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ाएंगे और साथ ही मिशन 40 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान कर सकते हैं। जेपी नड्डा के बिहार आने पर बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतेगी और इसके लिए तैयारियां चल रही है। पिछले बार जब हम गठबंधन में थे तो 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 40 सीटों पर जीतने के लिए काम किया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को याद दिलाया अतीत। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अब सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को एक लंबी चिट्ठी लिखकर उन्हें उनका अतीत याद दिलवाया है। उन्होंने उस चिट्ठी में नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि आपने 2018-19 में नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था। उस दौरान नीतीश कुमार आपकी नजर में सरकार चलाने लायक नहीं थे। आपने 4 वर्ष पहले नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ की शुरुआत की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने जो नींव रखी थी वह जल्द पूरी होगी। और रही बात शिखंडी कहे जाने की, तो यह राजद के द्वारा कई वर्षों पहले ही नीतीश कुमार को कहा जा चुका है और इसके बावजूद भी वे राजद से अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोग की गुजारिश करने आए। मैं आपके द्वारा पूर्व में किए गए वक्तव्यों एवं अनुभवों से संबंधित खबरों की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूं, हो सके तो इसे फ्रेम करवा लीजिएगा और देखते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिएगा। टीम इंडिया का जर्सी में हुआ बदलाव। आज शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज की पहली सीरीज खेलने जा रही है। इस दौरान नए साल पर टीम इंडिया के जर्सी में बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि इस बदलाव में टीम इंडिया की जर्सी पर से MPL के लोगों को हटाकर अब उसकी जगह नया किट स्पॉन्सर किलर के लोगों को लगा दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें किलर कपड़ों का ब्रांड है। इस नई जर्सी के साथ यजुवेंद्र चहल के द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है, फंटास्टिक 5 T20 सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार, जिसमें चहल के साथ मुकेश कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मलिक और अर्शदीप नजर आ रहे हैं।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, करण सिंह मेहरा, मोहम्मद सकीर हुसैन, पिक्कू प्रदीप, बिट्टू कुमार राज, मुटु रंगीला, कन्हैया कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, ललन प्रसाद, अखिलेश यादव, अजीमा फिरदौस, के सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जिन लोगों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है उनके खिलाफ पुलिस को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।